बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। फार्माकोग्नोलॉजी फर्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन बाय द लेक्चर मायरा जावेद फ्रॉम शाहरुखनी आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंस। हाइपर सेंसिटिविटी चैप्टर 6। Today we are going to start another new chapter, hypersensitivity. Today we look at the introduction and definition of hypersensitivity and allergy. Hypersensitivity introduction. The term allergy was first defined by the Von Pirquet in 1906. एलर्जी टर्म वॉन पिरक्विट ने 1906 में डिफाइन की थी, हमारे इंट्रोड्यूस करवाई थी। ही डिस्क्राइब दैट अ चेंज और ऑल्टर डायरेक्शन इन द बॉडी इज कॉल्ड एलर्जी। उन्होंने बताया था कि जो किसी भी तरह का बॉडी के अंदर चेंज होना या किसी भी तरह का बॉडी के ऊपर कोई भी रिएक्शन नमूदार होना, ये एलर्जी कहलाता है। ठीक है, ही डिस्क्राइब दैट अ चेंज और ऑल्टर रिएक्शन इन द बॉडी इज कॉल्ड एलर्जी। हमें हाइपर सेंसिटिविटी का ये इंट्रोडक्शन दिया गया है। हाइपर सेंसिटिविटी डेफिनेशन। हाइपर सेंसिटिविटी की डेफिनेशन क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी रेफर्स टू द अनडिजायरेबल रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी रेफर्स कर रहा है किसी भी तरह का अनडिजायरेबल रिएक्शन प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल इम्यून सिस्टम। एनी अनडिजायरेबल इफेक्ट or reaction which is produced by our normal immune system called including the allergies, जिसमें allergies ही आ जाती है and autoimmunity आ जाती है, यानी कि हमारा कुव्वत है मुदाफत। So again the hypersensitive definition क्या बताया जा रहा है? Hypersensitivity refers to the undesirable reaction, किसी भी तरह का अनडिजायरेबल रिएक्शन जो हमारा नॉर्मल इम्यून सिस्टम किसी भी चीज के खिलाफ जो हमारे बॉडी के अंदर चली जाए या कोई भी सेंसिटिविटी किसी भी तरह की एलर्जी प्रोड्यूस करे, उसे हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। दीज रिएक्शंस मे बी, ये जो रिएक्शंस हैं ये डैमेजिंग हो सकते हैं, डिसकम्फर्ट हो सकते हैं किसी के लिए, बेचैनी डिस्कम्फर्ट पैदा कर सकते हैं एंड समटाइम्स डेंजरस भी हो सकते हैं, जानलेवा भी ये कम समटाइम्स रिएक्शंस हमारे लिए बॉडी में हमारे लिए पैदा कर सकते हैं। एलर्जी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इम्यूनोलॉजिकल सोसाइटी द एलर्जी कैन बी डिफाइंड एज एलर्जी इज अ स्पेसिफिक हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू फॉरेन पार्टिकल्स। जो एलर्जी है ये स्पेसिफिक हाइपर सेंसिटिविटी है इंडिविजुअल के अंदर टू फॉरेन पार्टिकल्स, यूजुअली अ प्रोटीन टू विच अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल इज एक्सपोज। ठीक है, जो एलर्जी है ये एक स्पेसिफिक एलर्जी हमारी बॉडी में क्या काम कर रही है, स्पेसिफिक हाइपर सेंसिटिविटी के तौर पे बॉडी में काम कर रही है ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स, यानी कि वो पार्टिकल्स जो आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी मौजूद ना हो बल्कि बाहर से आए। फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं यानी कि कोई भी पार्टिकल्स जो बाहर से आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो, यूजुअली या प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन हो सकता है वो जो स्पेसिफिक इंडिविजुअल के अंदर एक्सपोज हो रहे हैं, ये स्पेसिफिक हाइपर सेंसिटिविटी यानी कि एलर्जी उस इंडिविजुअल के अंदर पैदा कर सकते हैं। अनदर डेफिनेशन ऑफ एलर्जी इज
एलर्जी इज अ हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर ऑफ द इम्यून सिस्टम। एलर्जिक रिएक्शंस अकर टू नॉर्मली हार्मलेस इन्वायरमेंटल सब्सटेंसेस। जितनी भी एलर्जिक रिएक्शंस हैं ये नॉर्मली हार्मलेस इन्वायरमेंटल सब्सटेंसेस के थ्रू हो सकते हैं जिन्हें हम एलर्जेंस कहते हैं। नॉर्मली एलर्जेंस आर द कॉज ऑफ एलर्जी इन एनी इंडिविजुअल जो कि हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर का सबब बन सकते हैं। ये एलर्जेंस हो सकते हैं, ठीक है। ये हार्मलेस इन्वायरमेंटल सब्सटेंसेस होते हैं यानी कि कोई आपको ज्यादा हार्म नहीं पहुंचाते, डेंजरस नहीं होते। ये इन्वायरमेंटल सब्सटेंसेस होते हैं, किसी भी इन्वायरमेंटल चेंज इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से ये जो एलर्जेंस हैं किसी में सेंसिटिविटी एलर्जी पैदा कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली एलर्जी इज वन ऑफ द फोर फॉर्म्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। जो एलर्जी है वो हाइपर सेंसिटिविटी की फोर फॉर्म में से एक फॉर्म है जिसे हम कहते हैं टाइप वन, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। और मेडिएटेड अनदर नेम इसका क्या है, मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी को कहा जाता है, टाइप वन और मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट स्लाइड, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। अब साइंस क्या हो सकते हैं और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं एलर्जी के, हम वो देखते हैं। कॉमन सिम्टम्स ऑफ एलर्जी कौन से हो सकते हैं, कॉमन सिम्टम्स, नोज, साइनोसिस, आईज, एयरवेज, ईयर्स, स्किन, जीआईटी। ये कॉमन साइंस इनके थ्रू हो सकते हैं। नोज से क्या हमारे पास सिम्टम आता है, स्वेलिंग हो जाती है। नेसल मिकोसा की हमारे पास रिएक्शन क्या आता है, एलर्जिक रिनाइटिस हमें सिम्टम्स कॉज हो सकती है। साइनोसिस में एलर्जिक साइनोसाइटिस हो सकता है। आईज में हमारे पास रेडनेस हो जाती है एंड इचिंग होती है ऑफ द कंजक्टिवा की। एयरवेज में क्या होता है, स्नीजिंग होती है, छींकें आना शुरू हो जाती है, कफिंग, ड्राई कफ होना शुरू हो जाती है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होने लग जाती है, सांस नहीं आ रही होती, वीजिंग, सांस में से आवाज आना शुरू हो जाती है, डिस्निया यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो सांस लेने हैं उसमें तंगी होती है, एंड समटाइम्स द अटैक ऑफ एस्थमा, और एस्थमा का अटैक भी हो जाता है यानी कि सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो सकती है। वीजिंग का मतलब यहाँ पे कि आवाज आना, वीज करना, जैसे खराटों में आवाजें आती हैं इसी तरह यहाँ पे सांस लेने में जब दुश्वारी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी तो वीजिंग की आवाजें वीजिंग होना शुरू हो जाती है, हाँ, सांस में से आवाज आने लग जाती है। ईयर्स, ईयर्स में क्या है, फीलिंग ऑफ फुलनेस, पॉसिबली पेन एंड इम्पेयर्ड हियरिंग। पेन होती है ईयर्स में, इम्पेयर्ड हियरिंग और सुनने में दुश्वारी पैदा हो सकती है। स्किन, स्किन में रैशेस हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, सच एज एक्जिमा हो जाता है, पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं रेड कलर के, एंड हाइव्स और अर्टिकेरिया हो जाता है। जीआईटी में अब्डोमिनल पेन हो जाता है, मैं स्टमक में पेन, अब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाता है, ब्लोटिंग, आपको ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है यानी कि फुलनेस की फीलिंग होने लग जाती है, ब्लोट होने लग जाता है, वोमिटिंग के आने लग जाती है, डायरिया और डायरिया होने का खदशा पैदा हो जाता है। दीज वर ऑल द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, ठीक है, ये साइंस एंड सिम्टम्स हो गए एलर्जी के। नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज द एलर्जिक मैनिफेस्टेशन। ये हमें एक पेशेंट दिखाया हुआ है जिसके पेशेंट पे एलर्जिक राइनाइटिस हुई है। सिम्टम्स इसमें क्या दिखाए जा रहे हैं, माइल्ड सिम्टम्स, इचिंग ऑफ आईज, माउथ और ईयर्स, इचिंग हो रही है माउथ आईज एंड ईयर्स की, फ्लशिंग ऑफ स्किन, वाइड स्प्रेड हाइव्स, जो हाइव्स हैं वो वाइड स्प्रेड है बॉडी के ऊपर,
विस्टेंडनेस एंड ड्राई कफ और ड्राई कफ हो रही है पेशेंट को। मॉडरेट रिएक्शन क्या है, इसमें अब्डोमिनल पेन हो रहा है, नोजिया हो रही है, जुकाम हो रहा है एंड वोमिटिंग और गैग आ रही है, कॉन्स्ट्रिक्टेड फीलिंग्स इन द थ्रोट एंड चेस्ट और वीजी। सीवियर रिएक्शंस में क्या हो रहा है, इट इंक्लूड्स द अबव लिस्टेड, प्लस कंफ्यूजन हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, नींद नहीं आ रही, होर्सनेस, डिसनी और वीकनेस फीलिंग हो रही है पेशेंट को। एलर्जिक एक्जिमा, दिस इज द पिक्चर शोइंग द एलर्जिक एक्जिमा टू द पेशेंट। ठीक है, ये हमें एलर्जिक एक्जिमा पेशेंट के ऊपर दिखा रहा है। दिस इज द रेड पैचेस जो पेशेंट के ऊपर, स्किन के ऊपर, बॉडी के ऊपर, जो स्किन के ऊपर जो ये रेडनेस हो गई है, एक्जिमा हो गया पेशेंट में, जिससे उसमें रेस्टलेस हो गया, एंग्जाइटी फील हो रही है, उसे होर्सनेस हो रही है कि वो उसको खारिश करे। ये भी यहाँ पे भी एलर्जिक एक्जिमा पेशेंट में हमें दिखाया जा रहा है। दिस बोथ पिक्चर शोइंग दी एलर्जिक एक्जिमा ऑन दी पेशेंट स्किन। The next slide is about the allergy symptoms. हमने देखा था symptoms कौन से हो रहे हैं, कफ हो रहा है, headache, सर दर्द होगा, skin rashes, skin पे red patches होना शुरू हो जाते हैं, redness होना शुरू हो जाती है, sneezing, छींके आने लग जाती हैं, redness, eye की redness, आंखें लाल होना शुरू हो जाती है, itchy skin, skin बहुत ज्यादा itch होने लग जाती है, खारिश होने लग जाती है, runny nose, नाक बहने लग जाती है, लैक्रिमेशन फ्रॉम द आईज, आंखों में से पानी निकलने शुरू हो जाता है, एंड बर्निंग एंड ड्राइंग ऑफ द स्किन, बर्निंग जो स्किन है आपकी वो जलना शुरू हो जाती है और ड्राई हो जाती है। ये सारे हमारे पास क्या है, एलर्जिक सिम्टम्स हैं, जो मोस्ट कॉमन एलर्जिक सिम्टम्स बॉडी में होते हैं, दिखाई देते हैं, फील होते हैं, ये सारे हमारे पास एलर्जिक सिम्टम्स आ जाते हैं। टुडे वी हैव डिस्कस द हाइपर सेंसिटिविटी डेफिनेशन। व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी, इट इज एन अनडिजायरेबल रिएक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल इम्यून सिस्टम, इट इंक्लूड्स एलर्जी एंड ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, जो कि डैमेजिंग भी हो सकता है, डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है एंड फैटल भी हो सकता है। एंड वी ऑल्सो स्टडी दैट व्हाट इज एलर्जी, एलर्जी क्या काम कर रहा है, एलर्जी क्या होता है, ये हमारे अंदर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, क्या नुकसान पहुंचाता है बॉडी को, बॉडी की स्किन को। दिस इज द स्पेसिफिक हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी फॉरिन पार्टिकल्स के खिलाफ जो बॉडी है वो एक्सपोज हो, वो बॉडी पे क्या कॉज करती है, एलर्जी कॉज कर देती है। डेफिनेशन ऑफ एलर्जी में अनदर डेफिनेशन थी, जिसमें जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं ये नॉर्मली हार्मलेस एनवायरमेंटल सब्सटेंसेस की वजह से हो सकते हैं, जिन्हें हम एलर्जेंस कहते हैं। फर्दर हम एलर्जेंस की टाइप्स भी पढ़ेंगे, किस किस तरह के एलर्जेंस होते हैं, इनहेलेंट होते हैं, कॉन्टेक्ट होते हैं, इनगेस्ट जो आप करते हैं वो होते हैं। जो एलर्जी है ये मोस्ट कॉमनली हम टाइप 1 और मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी भी हम एलर्जी को कहते हैं। वी सी द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एलर्जी कि नोज, आईज, एयरवेज, साइनोसिस, ईयर, स्किन एंड जीआईटी में कौन कौन से सिम्टम्स पैदा होते हैं, जो एलर्जी है वो क्या क्या सिम्टम्स बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कर सकती है, कॉज कर रही होती है। एंड वी ऑल्सो सी दी डायग्रामेटिक व्यू ऑफ द एलर्जिक मैनिफेस्टेशन। एंड दिस वॉज द स्लाइड ऑफ द एलर्जिक एक्जिमा ऑन द पेशेंट स्किन। एंड दिस वॉज ऑल द symptoms, most common symptoms on the patient's body caused by any foreign particles in the body which cause the hypersensitivity in an individual, and जिसमें हमारे पास cough, sneezing, runny nose, lacrimation, eye redness, headache, skin
स्किन रैश, इची स्किन, बर्निंग एंड ड्राई स्किन, हमारे पास ये सारे सिम्टम्स आ गई थी जो कि थैंक यू वेरी मच।